नमस्कार, चकदी क्रिकेट में आपका स्वागत है। कहते हैं बस इच्छा मत करो, आप जो देखना चाहते हैं उसके प्रति जुनूनी बने, उठें और इसे साकार करें। चकदी क्रिकेट की श्रृंखला पहले क्या थे, अब क्या बन गए। क्रिकेटरों की सफलता की कहानियों में चकदी क्रिकेट की टीम आज प्रस्तुत कर रही है रविंद्र जडेजा को। भारत के नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर भारतीय टीम को बहुत सारे मैच जिताए हैं। रविंद्र जडेजा फिलहाल तो बहुत ही आलिशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 दिसंबर 1988 को सौराष्ट्र में जन्मे रविंद्र जडेजा के पिता एक वॉचमैन थे और माता नर्स का काम करती थी। वह बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनका बचपन बेहद तंग हाली में बीता। उनके पिता चाहते थे कि रविंद्र जडेजा सेना में भर्ती हो, लेकिन जडेजा के दिमाग में सिर्फ क्रिकेट चलता रहता था, इसलिए उनका सेना की तरफ कोई भी आकर्षण नहीं था। बाद में अपने बेटे की जिद के आगे उनके पिता को झुकना पड़ा। मात्र 17 साल की उम्र में रविंद्र जडेजा ने अपनी माता को खो दिया। माँ के निधन के बाद वह गुमसुम से रहने लगे। वह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उनकी बहन को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट करा और फिर जी जान से मेहनत कर अपनी माँ का सपना साकार करने में जुट गए। सौराष्ट्र के लिए अपने पहले ही मैच में रविंद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले गेंदबाजी करते हुए 72 रन देकर 4 विकेट झटके और उसके बाद बल्लेबाजी में भी 87 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक लगाने वाले यह पहले बल्लेबाज बने और अच्छे प्रदर्शन के चलते उनका अंडर 19 भारतीय टीम में चयन हो गया। इसके बाद जडेजा ने तो अंडर 19 विश्व कप खेले। 2006 अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में भारत की टीम फाइनल में पहुंची। वही 2008 में विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम चैंपियन बनी। रविंद्र जडेजा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करा। बल्ले से बेहतरीन खेल दिखाते हुए उन्होंने 77 गेंदों में 83 रन बनाए। इसके बाद वह भारतीय टीम का अहम हिस्सा बन गए। उनके बेहतरीन फील्डिंग और हरफन मौला प्रदर्शन के लिए उन्हें क्रिकेट प्रेमी सर कहकर बुलाते हैं। अपने खेल से रविंद्र जडेजा ने दुनिया के हर कोने में लोगों के दिल जीत रखे हैं। रविंद्र जडेजा ने 136 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 5,561 रन बनाए हैं। वहीं बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 155 विकेट भी चटकाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी उनके नाम 2,041 रन और 221 विकेट दर्ज हैं। 9 बार वह टेस्ट क्रिकेट में 5 या उससे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। वहीं एक बार 10 विकेट लेने का भी अद्भुत कारनामा किया है। रविंद्र जडेजा घोड़ों के शौकीन हैं। अक्सर रविंद्र जडेजा को अपने फार्म हाउस पर घोड़ों के साथ समय व्यतीत करते हुए देखा जाता है और इसके साथ में उन्होंने राजकोट में अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला है। एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का आज पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। इसीलिए कहते हैं हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते चलना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको रविंद्र जडेजा की कहानी से कुछ सीख जरूर मिली होगी। आगे भी ऐसी कहानियों के लिए देखते रहें चकदी क्रिकेट। धन्यवाद।